अयोध्या जनपद के सिविल लाइन स्थित सदर तहसील तिकोनिया पार्क में ठंड से बचने के लिए तीन आवारा पशु धूप का आनंद ले रहे थे। उनकी साजादी पर खलल पैदा करने के लिए नगर निगम की टीम कैप्चर ने उन्हें पकड़ने में पूरी ताकत झोंक दी। दरअसल कैप्चर 15 लोगों की एक टीम होती है, लेकिन आवारा पशु केवल तीन थे। उनको पकड़ने में नाकाम साबित हुए। नगर निगम को चाहिए पहले कैप्चर टीम को प्रशिक्षण देने के बाद ही मैदान में उतारे। में हम लोगों की अभी 10 लोगों की एक टीम है जो लगातार चल रही है, और जो नगर की सड़कों पर निराश्रित पशु हैं इनको पकड़कर जो हमारी एक गौशाला बनी हुई है उस गौशाला में भेजे जा रहे हैं। अच्छा, क्या ये एक तरह से प्रशिक्षित ही रहते हैं और उन्हीं का ही रिक्रूटमेंट किया जाता है जो प्रशिक्षित रहते हैं, आउटसोर्स के माध्यम से लिए जाते हैं और वो इस कार्य में दक्ष रहते हैं। जैसे कहीं इक्का दुक्का ये घटनाएं हो सकती हैं, इससे बिल्कुल जैसे वो नहीं। अगर इन लोगों ने 1200 पशुओं को पकड़ कर वहाँ पर भेजा है तो निश्चित रूप से दक्ष हैं, तब ये भेज पाए हैं। जैसे अगर ये नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, ये एक तथ्य है कि हमारी गौशाला में आज भी 1250 पशु हैं, तो 1250 पशु इन्हीं लोगों द्वारा पकड़कर वहाँ प्रेषित किए गए हैं, तो निश्चित रूप से दक्ष तो हैं ही, तभी तो 1250 पशु ये भेज पाए हैं। हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर मामले में ये असफल हो गए हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ की कोई हो सकता है विषम परिस्थिति रही हो, लेकिन उसके लिए दूसरी दक्ष टीम बनाकर और इनके सहयोग में और लोगों को लगाकर वहाँ पर उनको खाली कराया जाएगा।